अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सैयद नदीम शाह और आप देख रहे हैं सिराजी नॉलेज। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, किसी ने मुझे मैसेज करके कहा कि आप लुक्मान हकीम के मुतालिक वीडियो बनाई। अगर आपको भी किसी के मुतालिक या हिस्ट्री के मुतालिक कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, इंशाल्लाह आपकी कमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हजरत लुक्मान हकीम के बारे में। मोहम्मद बिन इसहाक ने आपका नसब इस तरह बयान किया है कि आपके वालिद का नाम बाउर था और आपके दादा का नाम नाहूर बिन तारिक था, और दूसरे के कॉल के मुताबिक आपके वालिद का नाम अनका बिन सुदून भी आया है। और वहब का कॉल है कि आप हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के बांझे थे, और मुकातिल ने कहा है कि आप हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। हजरत लुक्मान हकीम के नबी होना वाज़े नहीं है, आप नबी थे या नहीं इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन आप बहुत ही हिकमत ज़्यादा और बहुत दाना आदमी थे, और आपके अंदर तमाम बनी इसराइलों में जितना ईमान होता था उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा आपके अंदर ईमान था। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिल को हिकमतों का ख़जीना बना दिया था। उर्दू के अंदर भी कहा जाता है कि वहम की दवा तो लुक्मान हकीम के पास भी नहीं है, यानी हजरत लुक्मान हकीम की हिकमत को मेराज समझा जाता था। तो हजरत लुक्मान हकीम ने बहुत सारे अंबियाए कराम की खिदमत की है और उनसे इल्म हासिल किया है। रिवायतों में आता है कि आप 4000 अंबियाए कराम की खिदमत में हाजिरी दी और उनसे इल्म हासिल किया और उनसे शर्फ हासिल किया, और आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने को भी पाया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में रह गए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करते रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले आप बनी इसराइलियों के काजी और मुफ्ती भी थे, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नबी होने के बाद आपने फतवा देना छोड़ दिया था। आपके बेटे का नाम वो बेटा जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। हज़रत लुक्मान हकीम के मुतालिक कुरान में बहुत सारा जिक्र आया है, और बिलखसूस कुरान मजीद के अंदर हजरत लुक्मान हकीम के नाम से एक सूरह है, सूरह लुक्मान, और उसके अंदर आपके बेटे का भी जिक्र आया है। तो उस बेटे का नाम अनअम बिन अनअम या अशकम था, और बाज ने आपके बेटे का नाम मुस्कम भी कहा है। और हजरत लुक्मान हकीम की उम्र मुबारक 1000 साल हुई, यानी 1000 साल तक आप जिंदा रहे और अम्बिया कराम की खिदमत में हाजिरी देते रहे और उनसे इल्म हासिल करते रहे, और बहुत ही ज़्यादा हिकमत पसंद आदमी थे। और आपकी कब्र के मुतालिक यह आता है कि आपकी कब्र शरीफ मकाम हरफंद में है, जो रमला के करीब है, और हजरत कतादा ने कहा कि आपकी कब्र रमला में मस्जिद और बाजार के दरमियान है, यानी मकाम रमला के अंदर मस्जिद और बाजार के दरमियान आपकी कब्र मुबारक है। तो ये हजरत लुक्मान हकीम के मुतालिक जो मेरे पास इल्म था वो मैंने बयान किया। अगर आपको भी किसी के मुतालिक वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखना ना भूले। अस्सलामु अलैकुम, मिलते हैं अगले नॉलेज के साथ।